सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है, कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसीलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। आज का पंचांग 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि, शाम 5:32 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 2:01 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रहे। कुंभ राशि 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, आपको आज एक महत्वपूर्ण खरीदारी या सौदे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने करीबी साथी से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। प्रभावी बातचीत करें और संचार के सभी साधनों का प्रयोग करें, जैसे कि मैसेज, ईमेल, फोन और इशारे। किसी मरम्मत के लिए आपको यहाँ वहाँ भटकना पड़ सकता है। अपना और दूसरों का आदर करना आज आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और उदारता आपको सबके आंखों का तारा बना सकती है। आपके सितारे समारोह का या यात्रा की तरफ भी इशारे कर रहे हैं। यह समय अपनी चतुराई पर गर्व करने का है। आपको आज भावनात्मक और वित्तीय नुकसान हो सकता है। हालांकि आप इससे बच सकती हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना ले जो अपने फायदे के लिए आपको जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहती हैं। तो आज के दिन आराम से बिताएं और अपने उन घावों को भरने की भी कोशिश करें जो पिछली बातों में आपको मिली हैं। आपकी उम्मीद आज एक महक से भरे हुए खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित होगी और आप ताजा आर्थिक मुनाफा प्राप्त करेंगे। आप दोस्तों के साथ अच्छे वक्त बिताएंगे, लेकिन गाड़ी चलाते समय अधिक सावधानी बरतें। रोमांस आपके दिल पर काबू कर सकती है। किसी भी तरह की साझेदारी करने से पहले उसकी बात सुनें। आप बिना किसी वजह के कुछ लोगों के साथ उलझ सकती हैं। ऐसा करना आपके मूड को खराब करेगा। साथ ही आपका कीमती समय भी बर्बाद होगा। जो लोग यह सोचते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है, वे गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। आपकी दिनचर्या में कुछ नयापन लाने के लिए रचनात्मक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा अपने व्यक्तित्व में भी निखार लाने का प्रयास होगा। प्रभावशाली लोगों का सानिध्य मिलेगा और कई तरह की जानकारियां भी हासिल होगी। आज के दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपके बच्चे को किसी अच्छी नौकरी मिलने की खुशी से आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। साझेदारी में आप किसी काम को करने की योजना भी बना सकती हैं। आपके खर्चीले स्वभाव के कारण परिवार के सदस्य आपकी इस आदत से परेशान रहेंगे, जिस कारण आप धन को बचाकर रख सकते हैं और खर्चे कम कर पाएंगे। परिवार में कोई बात को लेकर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। माता जी के आशीर्वाद से आप किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकती हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी अच्छे काम को करने का मौका भी मिलेगा। जब तक आप अपना काम पूरा नहीं करेंगे, तब तक दूसरों की मदद करने से बचना होगा। लालच की वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। यह आपके लिए बेहतर होगा ताकि आपका काम ठीक से हो सके और आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सके। लालच की वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान न हो, इसे ध्यान में रखें। पैसों से संबंधित किसी भी व्यवहार के समय पूरी पारदर्शिता बनाए रखें, क्योंकि यह आपके और दुष्टों के बीच विश्वास को बनाए रखने में मदद करेगा। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम संबंधित अनुमति जब तक प्राप्त नहीं होती है, तब तक काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए,
यह आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण है कि आप उच्च मानकों और नैतिकता का पालन करें। आपके संबंधों में पारदर्शिता और संवेदनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाए रखेगा। अपने साथी के साथ सच्चाई और सहयोग की भावना बनाए रखने से आपके रिश्ते में सुधार हो सकता है। सावधानियां। आज आपको घूमने फिरते समय अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने का समय बर्बाद ना करें। विद्यार्थियों को अभी पढ़ने की जरूरत है। खरीदी बिक्री करते समय पक्के बिलों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भविष्य में कुछ परेशानी भी आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके करीबी मित्र इस समय पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान हैं। संबंधों में उनके साथ समय बिताने का आनंद लें, और वो आपकी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए आपको उनके साथ कुछ रोमांटिक और अंतरंग छड़ों के लिए तैयार होना चाहिए। यह समय अपने संबंधों को मजबूत और मधुर बनाने का। दूसरों को काम करने के लिए आपको भी कुछ प्रयास करना होगा, चाहे वह फिजिकल या इमोशनल हो। आपको दिल के मामलों में सोचने की जगह प्यार और कोमलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप सिंगल है तो आपको इस समय में खुशखबरी मिलेगी। आपका सकारात्मक और रचनात्मक रवैया आपको विपरीत लिंग में प्रसिद्ध कर देगा, जिससे आपके आसपास के लोग आपकी प्रतिभा को मानेंगे और आपके साथ संबंध बनाना चाहेंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके साथी को आप पर गर्व होगा। आपकी लव लाइफ खूबसूरत और संगीतमय है, और आपको इसमें संतोष मिलेगा। आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है उन लोगों के लिए जो अभी हाल ही में किसी से संबंध बनाया है। यह समय महत्वपूर्ण समय है संबंध को मजबूत बनाने के लिए। आप दोनों प्रेम और प्रतिभा के साथ एक साथ काम कर सकते हैं, और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। अपने भविष्य को लेकर खुले मन से सोचें, लेकिन अभी कोई ऐसी योजना न बनाए। समय के साथ आपके लिए सही राह खुद ही खुलेगा। बात करते हैं करियर की। पैसों से संबंधित व्यवहार करते समय पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। धन के मामलों में ईमानदारी और सच्चाई से काम करें। किसी भी लालच की वजह से किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान ना होने दें। आपको अब अपने करियर में सफल होने के लिए एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर मिल सकता है, विशेष रूप से अगर आप बेरोजगार हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकता है जो आपके दरवाजे पर खटखटाएगा। इसे ध्यान से स्वीकार करें और इसका बेहतर लाभ उठाएं। आपके पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए सकारात्मक और उत्साहित रहें। जब आपको नौकरी मिल जाए तो अपने काम में ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। अगर आपको कोई नौकरी मिलने के बाद अनुमति मिली तो आप एक नए क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए नौकरी की खोज करें और अपने क्षमता के अनुसार उच्चतम स्तर के पदों के लिए आवेदन करें। लंबे समय से रुके हुए सारे काम पूरे हो सकते हैं, चाहे वो कानूनी समझौते हो या शुभ कार्य। यह एक अच्छा समय है अपनी योजनाएं बनाने का और प्रियजनों की सलाह लेने का, क्योंकि उम्मीद और सहयोग आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। अपने शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको अपने शारीरिक क्षमता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी गर्दन और कमर में हल्का दर्द हो सकता है। वे लोग जिन्हें पहले किसी चोट या गठिया की समस्या है, उन्हें अधिक तकलीफ हो सकती है। इसीलिए आज अधिक शारीरिक मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। आपको आराम करने का समय लेना चाहिए। आप हल्का योग कर सकते हैं, लेकिन इसे किसी प्रशिक्षित देखरेख के निर्देशों में ही करें। आज का उपाय। आज जब गरीबों को खाना खिलाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।